यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पालघर में 500 रुपए के लिए आत्महत्या करने वाले कालू के परिवार से मिले सांसद राजेंद्र गावित, परिजनों को दी सहायता राशि। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के एक परिवार को कुछ भेंट देते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यह तस्वीर है पालघर जिले के सांसद राजेंद्र गावित की, जो कि पालघर जिला अंतर्गत मोखाड़ा तहसील क्षेत्र में पिछले हफ्ते कालू नामक एक आदिवासी युवक द्वारा आत्महत्या कर दिए जाने के बाद उस मृतक कालू के संतप्त परिवार को सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। एक सांसद होने के नाते माननीय सांसद महोदय ने बड़ी पहल करते हुए संतप्त परिवार को सहायता राशि के साथ जीवन आवश्यक वस्तु भेंट की और संतप्त परिवार के दुख में शामिल हुए, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सांसद महोदय को वाकई कालू के परिवार एवं कालू के जैसे दूसरे परिवारों को मदद करनी हो तो सांसद महोदय को चाहिए कि कालू की मौत के जिम्मेदार सिस्टम के ऊपर दबाव बनाते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देने का प्रण लेना चाहिए। दरअसल कालू आदिवासी की आत्महत्या हमारे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपको बताते चले, ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है सावित्री पवार, जिनके हाथ में उनके पति कालू पवार की तस्वीर है, जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उस आत्महत्या के पीछे वजह यह है कि पिछले साल इनके बेटे की मौत के बाद कफन के कपड़े के लिए कालू पवार ने उनके गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से 500 रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस लौटाने के लिए उस व्यक्ति ने इनके पति को अपने खेत पर मजदूरी करने को कहा। जून 2021 से ही कालू पवार इनके खेत में काम करने लगे। मजदूरी करने के बाद उन्हें कभी पैसा दिया ही नहीं गया। अगर वो पैसा मांगते तो उन्हें मारा पीटा जाता। इसी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। परिवार काफ़ी गरीब होने के चलते शव को जलाया तक नहीं जा सका, बल्कि दफना दिया गया। अब हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम किस भारत में रह रहे हैं, जहां महज 500 रुपए के लिए किसी के से महीनों काम करवाया जाता है, पूरे दिन में केवल एक रोटी खाने को दिया जाता है और अंत में वह व्यक्ति आत्महत्या कर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कातकरी समाज हा वेट बिगारच्या पाशामध्ये अडकलेला आहे। अवघ्या 500 रुपयासाठी काळू पवार यांना आत्महत्या करावी लागते, कसं बघते आपण या घटनेकडे, काय सांगले संदर्भात? खरं म्हणजे ही जी घटना जी आहे ही अत्यंत दुर्दैवी अशा प्रकारची ही घटना आहे। भारत एकीकडे स्वातंत्र्य होऊन एक आपण 75 वर्ष म्हणजे सुवर्ण महोत्सव या ठिकाणी साजरा करतो, आणि सुवर्ण महोत्सवाच्या काळामध्ये अशा प्रकारे घटना घडणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि खऱ्या अर्थाने कातकरी समाज जो आहे, जो प्रिमिटिव्ह ट्राईब आहे, आदिम जमात म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला जातो, अजूनही तो लंडास आहे। आणि अशा प्रकारे एखाद्या सावकाराने, त्या सावकाराने ज्या पद्धतीने यांना जी ट्रीटमेंट दिली गेली असेल ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने दिली गेली। आणि त्या भीतीपोटी त्यांनी पहिल्यांदा 8 महिन्यापूर्वी त्याचा मुलाने आत्महत्या केली, त्यानंतर मुलाच्या अंत्यविधीसाठी त्या ठिकाणी 500 रुपयाचं त्यांनी एक प्रकारे कर्ज घेतलं। आणि ते कर्ज घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी मालकाने ज्या पद्धतीने त्याच्या मागे छडा लावला आणि त्या भीतीपोटी त्यांनी त्या ठिकाणी आत्महत्या केलेली आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि या भागाचा खासदार म्हणून माझीसुद्धा नैतिक जबाबदारी आहे, त्यांना स्वतःच्या जगण्यासाठी, कायमस्वरूपी जगण्यासाठी कुठेतरी त्यांना एक हे सगळे लँड आपलं काय म्हणतो की आपण भूमिहीन आहे, आणि म्हणून त्यांना कुठलं तरी आपण एक 2 एकर जागा त्यांना त्या ठिकाणी घेऊन देऊ, त्यांना थोडंफार एक आधार त्या ठिकाणी मिळेल आणि महाराष्ट्र शासन या ठिकाणी पूर्णपणे या कुटुंबाच्या पाठीशी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।